हेलो फ्रेंड्स खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक और नया पैटर्न लेकर आई हूँ कार्डिगन का और ये देखिए कितना प्यारा हमारा पैटर्न डला है देखिए और इसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनेगा बना हुआ बहुत प्यारा लगता है और बनाना बहुत आसान है बनकर जल्दी कम्प्लीट होता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए लूप बनाएंगे इस तरह से और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस देखिए इस तरह से चेन बनाते हुए हम टू हंड्रेड वन चेन बनाएंगे दो सौ एक चेन बना लेते हैं हम देखिए ये हमने चेन बनाकर अपनी कंप्लीट की है और अब हम इसमें देखिए जहाँ ये हमने दो सौ एक चेन बनाई है धागा लेंगे और यहाँ पर हम हाथ रखेंगे और तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन और फोर्थ चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हम सेवन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक हमारी थ्री की चेन और एक हमारा डबल क्रोशिया ये टोटल दो बन गए अब हम एक और बनाएंगे तीन चार पाँच छ सात देखिए सात डबल क्रोशिया हमने बना लिया अब हम यहाँ पर फोर चेन बनाएंगे एक दो तीन चार धागा लेंगे और देखिए तीन चेन हम स्किप करेंगे एक दो तीन और फोर्थ चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से फिर से हम यहाँ पर एक दो तीन चार चार चेन बनाएंगे और नीचे तीन चेन हम स्किप करेंगे एक दो तीन और फोर्थ चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे धागा लेंगे नेक्स्ट चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से धागा लेंगे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे ये टोटल हमने देखे यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाया है अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे एक दो धागा लेंगे नीचे भी हम दो चेन स्किप करेंगे एक दो और तीसरी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे थ्री टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार हमने बना लिया ये दो फिर से बनाएंगे तीन ये तीन डबल क्रोशिया बनाया हमने देखिए कुछ इस तरह से फिर से हम ये वाला पार्ट बनाएंगे चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार धागा लेंगे तीन चेन हम स्किप करेंगे एक दो तीन और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार धागा लेंगे और नीचे से तीन चेन स्किप करेंगे एक दो तीन और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से तीन बनाएंगे एक हमने बना लिया एक और बनाया दो एक और बनाएंगे तीन तीन डबल क्रोशिया बनाया दो चेन और नीचे दो चेन हम स्किप करेंगे एक दो और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम तो देखिए इस तरह से हम बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हम एंड तक बना लेते हैं यहाँ तक देखिए यहाँ पर हम एंड में आ गए हैं और अब हम यहाँ पर ये हमने चार चेन बनाई नीचे तीन चेन स्किप की फिर फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया बनाया और फिर हमने यहाँ पर चार चेन बनाई है और नीचे हम तीन चेन स्किप करेंगे एक दो तीन चार फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हम सेवन डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारी बटन पट्टी के बनेंगे एक हमने बना लिया है दो तीन चार पच नेक्स्ट चेन में जाएंगे एक ही चेन में दो बार बना दें चार हमने बना लिया है नेक्स्ट चेन में जाएंगे पाँच फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे छ फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे ये टोटल हमने ये हमारा सेवेंथ डबल क्रोशिया है इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनकर आया है देखिए यहाँ पर हमने ये वाला बनाया था और स्टार्टिंग में भी हमारे पास देखिए ये वाला देखिए सेम पैटर्न आया है हमारा और अब हम इसके सेकंड रो में है सेकंड रो में हम देखिए अब हम इसकी सेकंड रो में हैं और इसमें हम एक दो तीन तीन हम चेन बनाएंगे टर्न करेंगे जो ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से फिर नेक्स्ट चेन को हम बैक पोस्ट बनाएंगे इसमें हम एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमारे पास सेवन डबल क्रोशिया थे तो इस तरह से बनाएंगे अब ये दो बचे हैं तो ये हमारा बैक पोस्ट बनेगा और ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनेगा देखिए कुछ इस तरह से बनेगा अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे एक चेन बनाई धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो हमने चार चेन बनाई थी यहाँ पर हम इसमें तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे वन डबल क्रोशिया एक बार और बनाएंगे दो फिर एक बार और बनाएंगे तीन ये हमने तीन डबल क्रोशिया बनाया धागा लेंगे और ये जो हमारे वन डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे ये टोटल हमारे पास चार बन गए धागा लेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया ये पाँच छ और सात देखिए ये टोटल हमने सात डबल क्रोशिया बनाया है तीन हमने इस साइड बनाए हैं तीन इस साइड एक बीच में तो टोटल हमारे पास सात डबल क्रोशिया हो गया अब हम यहाँ पर टू चेन बनाएंगे वन टू धागा लेंगे और ये देखिए ये जो हमारा फर्स्ट चेन है डबल क्रोशिया इसे हम स्किप करेंगे और सेकंड में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टाइम टू टाइम और अब हम यहाँ पर जो हमने ये दो चेन बनाई थी इसके अंदर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बना लिया दो फिर से बनाएंगे तीन ये हमारे पांच बन गए अब हम ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया इसकी चेन में बनाएंगे ये हमारे छः एक और बनाएंगे तो सात सात डबल क्रोशिया बन गया देखिए सात हमने यहाँ पर बनाया सात हमने यहाँ पर बनाया और फिर से दो चेन बनाएंगे और धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए फिर से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन धागा लेंगे और सेम प्लेस पर हम फिर से डबल क्रोशिया सॉरी डबल क्रोशिया के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाया टोटल चार यहाँ पर एक बार और बनाएंगे पाँच छ एक और बनाएंगे सात फिर से दो चेन बनाएंगे एक डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टाइम फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे टू ये जो हमारी टू की चेन है इसके अंदर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमने तीन बनाया चार पाँच और फिर ये दो डबल क्रोशिया की चेन है इनके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे छः और एक ये सात टोटल हमने यहाँ पर सात बनाए देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे और इसमें देखिए टोटल हमारे पास कितने पैटर्न बनकर आए हैं तो यहाँ से देखेंगे देखिए हमने यहाँ से स्टार्टिंग करी थी वन डबल क्रोशिए के साथ इसे हम काउंट करेंगे क्योंकि ये हमारे पैटर्न बनेगा यहाँ से हम पैटर्न की स्टार्टिंग करेंगे काउंटिंग में तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये हमारा ट्वेल्व और ये थर्टीन ये हमारे पास तेरह डबल सॉरी तेरह पैटर्न बनकर आए हैं तो अब ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे सेकेंड राउंड देखिए राउंड कंप्लीट होने के बाद हमने इसमें ये बटन पट्टी बना ली है और अब हम इसमें देखिए यहाँ पर धागा लेंगे और यहाँ पर हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे ये वन डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन में दो फिर से नेक्स्ट चेन में तीन देखिए ये तीन डबल क्रोशिया हमने बनाया अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे धागा लेंगे देखिए जो हमने यहाँ पर ये वाला बनाया था तीन डबल क्रोशिया दो चेन और तीन डबल क्रोशिया सेम वैसे ही अब हम यहाँ पर बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया हमने बना लिया है और दो चेन हम स्किप करेंगे दो हमने यहाँ पर चेन बनाई दो स्किप करेंगे एक दो और थर्ड चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाएंगे सॉरी तीन चेन हमने यहाँ पर स्किप की है फोर्थ चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया वन टू एक हम यहाँ पर बनाएंगे तो ये हमारे तीन देखिए तीन डबल क्रोशिया फिर से तीन डबल क्रोशिया अब हम यहाँ पर चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए एक दो तीन तीन चेन हम स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से फिर से हम चार चेन लेंगे एक दो तीन चार धागा लेंगे एक दो तीन तीन चेन हम स्किप करेंगे और फोर्थ चेन हमारी यहाँ पर बनेगी तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया देखिए एक हमने डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पर फिर से हम एक यहाँ पर बनाएंगे दो तीन और फिर से हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे और देखिए एक दो तीन चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया एक दो तीन इस तरह से बनेगा देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा फिर से हम यहाँ पर चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार धागा लेंगे एक दो तीन तीन चेन हम स्किप करेंगे और फोर्थ चेन देखिए ये हमने जो सात डबल क्रोशिया बनाया था तीन डबल क्रोशिया हम यहाँ पर स्किप करेंगे तीन यहाँ पर और बीच वाले पर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टाइम फिर ये डबल क्रोशिया दो तीन दो चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर ये चार डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो राउंड कंप्लीट कर लेते हैं देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पर इसके सेकंड साइड में है देखिए जैसे हमने यहाँ से पैटर्न की स्टार्टिंग की थी से वैसे ही हम इसकी फिनिशिंग करेंगे तो देखिए यहाँ से ये यह हमने तीन डबल क्रोशिया बना लिया है अब धागा लेंगे तीन चेन बनाई है नीचे भी हम तीन चेन स्किप करेंगे एक दो तीन और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे दो फिर यहाँ पर जो हमने ये टू चेन बनाई थी यहाँ पर एक बनाएंगे तीन तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ है सेम ऐसे ही हमारा देखिए यहाँ पर है ये देखिए दोनों पार्ट में सेम आया है अब हम इसमें ये बटन पट्टी है हमारी एक फ़्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं बना के ये बैक पोस्ट है कंप्लीट करेंगे देखिए बटन पट्टी हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है अब हम इसमें देखिए यहाँ पर हम टू चेन बनाएंगे वन टू धागा लेंगे और देखिए अब हम यहाँ पर इसमें देखिए ये जो हमारे वन डबल क्रोशिया देखिए अब हम यहाँ पर वन चेन लेंगे टू सॉरी टू चेन बनाई हमने धागा लेंगे और देखिए ये वन चेन हम स्किप करेंगे वन डबल है इसे हम स्किप करेंगे और सेकंड डबल क्रोशिया के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये वन टू टू डबल क्रोशिया बनाया और अब हम यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए ये हमने यहाँ पर सात डबल क्रोशिया बनाया है दो हमने यहाँ पर और दो यहाँ पर तीन सेंटर में बनाए हैं तो टोटल हमारे पास सात डबल क्रोशिया हो गया अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे एक दो तीन सॉरी दो चेन बनाएंगे यहाँ पर दो चेन बनाई हमने दे और देखिए ये जो हमारा वन डबल क्रोशिया है इसके साइड में हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे वन हमने बना लिया एक और दो तीन ये तीन डबल क्रोशिया बनाया अब फिर से हम ये जो वन डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर तीन हम यहाँ पर बनाएंगे तो ये टोटल हमारे पास सात डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट होंगे दो तीन देखिए इस तरह से फिर से दो चेन बनाएंगे और अब हम यहाँ पर एक चेन को स्किप करेंगे नेक्स्ट चेन के अंदर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया वन फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर दो तीन हम सेंटर में बनाएंगे तीन चार पाँच दो हम नेक्स्ट डबल क्रोशिये की चेन के ऊपर बनाएंगे छ सात तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे देखिए यहाँ पर हम सात डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम ये एक चैन को स्किप करेंगे फिर यहाँ पर हम वन डबल क्रोशिया यहाँ पर भी वन डबल क्रोशिया तीन हम यहाँ पर बनाएंगे फिर से वन डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में भी हम वन डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे और देखिए पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बनकर आएगा तो ये रो कम्प्लीट कर लेते हैं देखिए राउंड हमारा कम्प्लीट हो चुका है अब फिर से हम जो हमने ये फर्स्ट रो बनाई थी सेम वैसे ही हम अब ये बनाएंगे यहाँ पर हम चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार धागा लेंगे और देखिए तीन डबल क्रोशिया हम यहाँ पर स्किप करेंगे तीन इस साइड और फोर्थ जो हमारा बीच का है यहाँ पर फोर्थ डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए सेम हमने यहाँ पर बनाया है सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे अब फिर से हम चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार धागा लेंगे और देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर ये तीन डबल क्रोशिया बनाया था तो यहाँ पर भी हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक हम यहाँ पर बनाएंगे वन डबल क्रोशिया एक हम यहाँ बनाएंगे दो फिर यहाँ पर बनाएंगे तीन देखिए तीन डबल क्रोशिया हमने बनाया अब हम यहाँ पर दो चेन लेंगे तीन चेन हम स्किप करेंगे एक दो तीन और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टाइम टू फिर हम यहाँ पर बीच में बनाएंगे तो ये हमारे तीन अब हम यहाँ पर चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार धागा लेंगे और फोर्थ डबल क्रोशिया में वन टू थ्री फोर्थ डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से हम चार चेन लेंगे एक दो तीन चार धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री इस तरह से बनाया अब हम यहाँ पर टू चेन लेंगे थ्री चेन स्किप करेंगे एक दो तीन और फोर्थ में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और बनाया एक और देखिए इस तरह से बार बार यही पैटर्न रिपीट करते हुए हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे सेम ये सिर्फ दो रो ही हमें रिपीट करनी है बार बार तो इसकी हम अब लेंथ कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाएंगे कि इसका लुक किस तरह से आया है तो बना लेते हैं देखिए लेंथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है और देखिए कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह की है ये देखिए पैटर्न इसका इसमें हमने ग्यारह पैटर्न डालकर इसकी लेंथ कंप्लीट की है देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह पैटर्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अब हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे तो देखिए किस तरह से देखिए इसमें हमारे तेरह पैटर्न आए थे तो तेरह पैटर्न में से हम तीन पैटर्न राइट के लिए तीन पैटर्न लेफ्ट के लिए और बीच में हम सात पैटर्न रखेंगे पीछे बैक के लिए तो चलिए बना तो यहाँ से देखिए एक दो तीन तीन हम फ्रंट के रखेंगे तो यहाँ पर हम मार्कर लगाएंगे देखिए यहाँ पर हम वूल बांधेंगे इस तरह से अब हम इसमें सात पैटर्न बैक के लिए रखेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये तीन पैटर्न हैं हमारे एक दो तीन ये हमारे फ्रंट के रहेंगे तो यहां पर भी हम मार्कर लगा लेंगे देखिए यहाँ से हम करेंगे पहले हम बटन पट्टी बना लेते हैं ये हमारी बटन पट्टी है एक दो तीन तीन हमने चेन बनाई फिर हमारा फ्रंट पोस्ट है तो यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे से बैक पोस्ट फिर से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, इस तरह से अब देखिए यहां पर हम जब पैटर्न स्टार्ट करते हैं तो हम यहां पर तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन और ये एक दो तीन चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे जब हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये तो पैटर्न हम कंप्लीट बनाएंगे एक दो तीन यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे दो तीन दो चेन फिर से यहाँ पर दो डबल क्रोशिया एक यहाँ पर तीन बन गए दो तीन चेन बनाएंगे तीन चेन हम स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, एक दो सॉरी esta... यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक हमने बना दिया एक और बनाएंगे दो एक और बनाएंगे तीन यहाँ पर हम चेन लेंगे एक दो दो डबल क्रोशिया देखिए ये तीन चेन हमने बना ली और अब हम इसे देखिए ये हमारा यहाँ पर मार्कर लगाया हुआ है हमने यहाँ पर अब हम इसे कंप्लीट करेंगे एक दो तीन देखिए इस तरह से ये हम हाफ स्किप करेंगे तो यहाँ पे हम एक दो तीन यहाँ से इसे टर्न करेंगे ये जो तीन डबल क्रोशिया हमने बनाया है हर बार हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से तीन डबल क्रोशिया बनाया चेन लेंगे एक दो और यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया फिर से यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये पैटर्न हम बनाते हुए देखिए यहाँ तक लेकर आएंगे, जो हमारी स्टार्टिंग की थी ये हम सेम वैसे ही बनाते हुए आएंगे, और यहाँ तक हम बना लेते हैं देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं स्टार्टिंग में अब हम यहाँ पर बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया एक दो तीन धागा लेंगे और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे देखिए ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे बाकी क्यों हम स्किप करेंगे यहाँ पर नहीं बनाएंगे और डबल क्रोशिया ये बटन पट्टी बनाएंगे एक सॉरी यहाँ पर हम वन चेन लेंगे वन चेन बनाया डबल क्रोशिया ये जो पटन पट्टी है हम दोनों साइड से बनाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं देखिए इस तरह से देखिए बटन पट्टी हमने बना ली है अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और ये जो हमारे लास्ट के दो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, एक और बनाएंगे दो एक यहाँ पर बनाएंगे तीन देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे एक दो तीन और एक दो तीन चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया एक दो तीन फिर से हम ये पैटर्न बनाते हुए हम देखिए यहाँ तक बनाएंगे इस पैटर्न को देखिए बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं यहाँ पर मैंने दो चेन बनाई है ये आ, लास्ट के हमारे दो डबल क्रोशिया हैं तो इनके ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे वन चेन बनाएंगे और ये जो हमने तीन डबल क्रोशिया बनाया है इनके ऊपर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से फिर से टर्न करेंगे एक दो तीन डबल क्रोशिया फिर से डबल क्रोशिया ये हमने तीन बना लिए हैं अब दो चेन यहाँ पर देखिए वन डबल क्रोशिया स्किप करेंगे सेकंड में हम डबल क्रोशिया फिर से डबल क्रोशिया ये जो दो चेन बनाई थी इसके अंदर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर यहाँ पर ये दो डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से ये पैटर्न बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेते हैं देखिए यहाँ पर हम गले की साइड में आ गए हैं दो चेन बनाएंगे और जो ये हमारा फर्स्ट बीच का डबल क्रोशिया है सेकंड तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से वन चेन लेंगे और अपनी बटन पट्टी बनाएंगे तो ये बटन पट्टी हम दोनों साइड से बनाकर कंप्लीट करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से नेक की कटिंग हुई है हमारी तो ये कटिंग सॉरी बटन पट्टी बना लेते हैं देखिए बटन पट्टी बनाकर हमने कंप्लीट की है अब हम यहाँ पर वन चेन लेंगे इस डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे यहाँ पर हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से दो दो चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से ये पैटर्न बनाते हुए यहां से हम टर्न करके फिर हम नेक की साइड आएंगे तब आपको आगे बताएंगे तो मैं ये राउंड यहां से और यहाँ से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं देखिए बनाते हुए हम यहाँ नेक के साइड में आ गए हैं अब हमने यहाँ पर दो चेन बनाई है एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर हम वन टू और बीच में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन देखिए इस तरह से ये हमने दो ये हमने पांच डबल क्रोशिया बना लिया है दो चेन बनाएंगे और ये हम बटन पट्टी बनाएंगे अब देखिए ये वाला पार्ट हमने स्किप किया है तीन डबल क्रोशे को हमने स्किप किया है वन ये हमने फ्रंट का बनाया फिर से हमने बैक का बनाया तो इसे इस तरह से बनाते हुए हम बटन पट्टी को कंप्लीट करेंगे देखिए बटन पट्टी बनाकर कंप्लीट की है अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे एक दो और देखिए ये हम तीन एक दो तीन डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और लास्ट के में हम सॉरी दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये बीच वाले पे हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से देखिए हाफ में बनाया दो चेन यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया बनाया फिर से वन डबल क्रोशिया एक और दो चेन यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया एक दो और यहाँ पर हम वन डबल क्रोशिया तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारी ये पट्टी हमारी बनती हुई जा रही है और नेक की हमारी कटिंग कुछ इस तरह से हुई है तो अब हम यहाँ पर देखिए ये राउंड यहाँ से कंप्लीट करते हुए राउंड को टर्न करेंगे और यहाँ पर आके फिर आगे हम बनाएंगे देखिए बनाते हुए हम फिर से गले की साइड में आए हैं यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया एक हमारा ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे हम इस तरह से अब हम इसमें कोई भी चेन नहीं लेंगे वन चेन बनाएंगे और पट्टी बनाएंगे यहाँ एक दो तो ये बटन पट्टी बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं बनाते हुए अब हम इसमें देखिए कोई भी चेन नहीं लेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से फिर से लास्ट में बनाएंगे दो डब ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गया अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन और यहाँ पर हम फोर्थ डबल क्रोशिया के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से तीन चेन बनाएंगे आगे हम पैटर्न में जाएंगे एक दो तीन दो चेन और फिर से हम लास्ट में आएंगे एक दो तीन देखिए कुछ इस तरह से अब हम इसे बनाते हुए ये पैटर्न हम कंप्लीट करेंगे और ये, ये देखिए ये वाला टर्न करके हम नेक तक आएंगे और यहाँ फिर आगे, आगे आपको बताएंगे कैसे बनाना है देखिए ये हमने बना लिया है अब हम इसमें वन चेन लेंगे और जो ये हमने दो डबल क्रोशिया बनाया था इसे हम स्किप करेंगे धागा लेंगे और बटन पट्टी बनाएंगे यहाँ पर देखिए हमने ये डबल क्रोशिया स्किप किया है फिर से टर्न करेंगे दो तीन चार पाँच साइड से आ जाते हैं ये बटन पट्टी है हमारी इसे बनाकर कंप्लीट करते हैं देखिए इस ये हमारे गले की कम कटिंग कंप्लीट हो चुकी है अब हम सिर्फ ये दो पैटर्न हमारे बनाते हुए बनाएंगे इसमें हमने देखिए ये वन टू पैटर्न कंप्लीट किया है थर्ड में हम हाफ में हैं अब ये थर्ड और फोर्थ ये बनाकर मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लूँगी इससे हमारी ये फोर्थ पैटर्न से हमारी आर्म होल की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी अब सिर्फ हम ये दो पैटर्न ही रिपीट करेंगे तो बनाकर इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं देखिए आर्म होल की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसकी लेंथ भी अब हम इसमें देखिए बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे कि किस तरह से करेंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ से हम बैक की स्टार्टिंग करेंगे तो इसके लिए देखिए ये जो हमने हाफ पैटर्न बनाया था राइट right साइड में इसी में हम ये यहाँ पर हम ये जो दो डबल क्रोशिया है लास्ट के इनमें हम एक में डालेंगे और बनाएंगे एक दो तीन फिर से धागा लेंगे एक और डबल क्रोशिया बनाया अब हाँ फिर से धागा लेंगे एक और बनाएंगे ये तीन डबल क्रोशिया हमारे बन गए इसे हम खोल लेते हैं अब देखिए आगे हम तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से तीन चेन बनाएंगे यहाँ पर हम डबल क्रोशिया एक दो तीन इस तरह से फिर से हम एक दो चेन बनाएंगे दो डबल क्रोशिया एक हम यहाँ पर बनाएंगे ये हमने तीन डबल क्रोशिया बनाया देखिए इस तरह से ये हाफ़ पैटर्न हमारा देखिए हाफ़ हमारा बैक में आ गया हाफ़ हमारा फ्रंट में आ गया और बीच के तीन डबल क्रोशिया हमने इसमें स्किप किया है अब हम इसे बनाते हुए देखिए यहाँ तक जहाँ पर हमारा ये सेकंड मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक हम बनाकर हाफ के यहाँ तक बनाकर लेकर आते हैं देखिए ये हमने तीन चेन बना ली है और अब हम यहाँ मार्कर की साइड में आ गए हैं इसमें हम देखिए यहाँ पर एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया हमने बना लिया ये बैक का है और तीन डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे वो हमारा फ्रंट का पार्ट होगा तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम वैसे ही ये हमारा यहाँ पर बनेगा अब हम इसे टर्न करेंगे और देखिए इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है आगे सिंपल ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे बार बार हम ये पैटर्न बनाएंगे और साइडों में हम तीन तीन डबल क्रोशिया रखेंगे इस तरह से बनाते हुए हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे और लेंथ में हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे और चार ये बॉक्स बनाकर हम अपने कंप्लीट करेंगे तो ये बनाकर हम कम्प्लीट कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स इसके बैक के पार्ट की हम लेंथ आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कंप्लीट की हुई और हम इसके राइट साइड की भी कटिंग करना सिखाएंगे कि किस तरह से करेंगे तो देखिए ये हमने जो आज लेफ्ट पार्ट की कटिंग करना सीखा है ये, ये इस तरह से बनकर आया है उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू